भी टाइम हो रहा है, 1:05 हो रहा है, अभी मैं सो रही हूँ। गुड नाइट बाय, टेक केयर। हो रही है, चार्जर की भी पैकिंग हो रही है क्योंकि फोन में मेरे में चार्जिंग नहीं है। खाते हुए जा रही हूँ मैं। जाओ ना, ये गिलास लेने जाने में। बाय बाय। निकले हुए हैं मैं घर से और थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाती रहूंगी मैं रास्ते में आप लोगों को। और आवाज तो आती नहीं है, फिर माइक ले लूंगी तभी आएगी आवाज आप लोगों को। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दो, आप आ जाओ, फिर वो चले गए। पहले मैंने मना किया था उनको भी, मैं क्या आप भी मत जाओ, और वो पड़ी हुई है इतनी इतनी गर्मी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है। और आते टाइम मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है तो लोड गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो आप स्टेयरिंग देख रहे हैं ये पूरा घूमता नहीं है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मोड़ पे, जहाँ मोड़ होती है गाड़ी के वहाँ पे। खीरा नहीं खाते हैं वो, तो मेरे को बोल रहे थे कि तू खा लेना खीरा। और एक कमेंट आया था मेरे को कि आपके वहाँ पे ग्लास नहीं है क्या, तो हमारे पास ग्लास भी है। एक बार एक बड़ा ग्लास रखा हुआ है स्टील का, ये देख सकते हैं आप। तो एक लड़की ने कमेंट किया था कि ग्लास नहीं है आपके पास, ग्लास भी है हमारे पास, बट इसका ये फायदा ये है कि कभी चोरी नहीं होगा। और आज मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है क्योंकि मेरे को रात को पता नहीं था कि गाड़ी कटी हुई है और हमने जाना है सुबह, तो मैंने गाड़ी छाया में लगाई हुई है। इसी के साथ खाना मैं आज घर से लेके आई हूँ। और रही बात माइक की, तो यार मैंने माइक ऑर्डर किया था, दोबारा ऑर्डर कर दिया था। ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था वो भी नहीं चला, सेकंड टाइम ऑर्डर किया था वो भी नहीं चला, अब थर्ड टाइम मैंने ऑर्डर किया। और मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ मैक्सिमम। सुबह मेरा प्लान नहीं बन रहा था जाने का, फिर मैंने बोला कि एक दिन और चला जाएगा सीखने का, तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं प्लान बनाते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि जो अंकल मतलब जिन अंकल का हम डिमांड लेके जा रहे हैं, वो चाहे 1 बजे पहुंचो चाहे 6 बजे पहुंचो सुबह चाहे 2 बजे पहुंचो, गाड़ी वो 5 बजे से बाद ही खाली करते हैं। क्योंकि वहां पे जो गाड़ी खाली होती है ना, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, आपको खुद ही लग जाएगा पता। वहां पे बिल्कुल सिंगल रोड है और बस से जाने का होता है, बस आने का होता है, क्योंकि बस स्टैंड वहीं पे है ना। तो उस चक्कर में फिर बार बार गाड़ी कौन उठाए, तो लगाते हैं वो मतलब शाम के टाइम। ये खीरा मैंने काटा भी और इस पे नमक भी लगा दिया, छाया है बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है। मैं ऐसे बैठी हूँ ना, ऐसे बैठी हूँ ना, मेरे को यहाँ से कोई नहीं देख पाएगा, यहाँ से तो कोई देख ही नहीं पाता है वैसे भी।
सक्सेस उसको मिलती है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत करता है वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, वो सिर्फ सक्सेस पाना चाहता है। और मैं भी गाड़ी सीख के एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनूंगी। लंच टाइम, मम्मी ने घर से भेजा है आज ये अचार आम का और आलू और बैंगन, और चाचा जी लेके आ गए चिकन, चिकन पार्टी। ये चपातियां आज इनमें घी नहीं लगाया हुआ है, और मम्मी ने देखना कितनी अभी चपातियां लोड करके भेजी हुई है। बैंगन और आलू, और ये मेरा छोटा ग्लास। अभी हुए हम खाना खा के फ्री, और चाचा जी ने पकड़ लिया दूसरी वाली खिड़की, और मैंने ये वाली खिड़की। इस साइड अच्छी है, ठंडी हवा आ रही है, उस साइड भी आ रही है। देखिए उस साइड बिल्कुल भी धूप नहीं, और इस साइड भी देखिए ना, उस साइड अंधेरा हो गया और इस साइड दिन है। यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं। यहाँ का टेम्परेचर जो मैंने चेक किया था अभी 35 हो चुका है। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए हम आज बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और गाड़ी तो 5 बजे उतरेगी, तो उससे पहले हमारी गाड़ी से पहले एक और गाड़ी है वो उतरेगी, उसके बाद हमारी। यहाँ पे बनाने वाले हैं कॉफी, पानी गर्म हो रहा है अभी, ये हमने ऐड की कॉफी, इसके बाद हम ऐड करेंगे दूध, और थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। इसको छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉफी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है इसमें। तो ट्रैकिंग का शौक है, वो ट्रक लाइफ में आके ट्रैकिंग जैसी जिंदगी बिता सकते हैं। खुशियाँ कहीं नसीब होती है किसी को, लोग तरसते हैं इन छोटी छोटी खुशियों के लिए। पहले टेस्ट करके देखते हैं। वैसे हमारे पास स्टील का ग्लास भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ऊपर जाके आपको दिखा दूंगी गाड़ी में, पर इन ग्लासों में कुछ अलग ही मजा है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस काम कर काम को करके आपको खुशी मिलती है ना, वही काम करना है जिंदगी में। तो पूरे दिन के बाद 7-8 टाइम हो रहा है अभी, और अभी बुलाया हमें कि आप ये पहुँच गए हम। मैं बताती हूँ आपको कहाँ होती है हमारी गाड़ी अनलोड स्टोर में। तो ये जो स्टोर है यहाँ पे होती है हमारी गाड़ी अनलोड, यहाँ पे लगी हुई है। और अभी तक इन लोगों ने हमारी गाड़ी खा लेने की पूरी 8:40 हो गए, और अभी लगी हमारी गाड़ी अनलोड होने पीछे। अभी बारिश भी रुकी है तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। और खाना हम लेके आ गए क्योंकि सुबह हमने 11 बजे खाया था खाना, उसके बाद कोई खाना नहीं खाया था। और बाहर बारिश लगी हुई है, शीशे पे आप पानी देख सकते हैं। आज तो बड़े ज़्यादा खज्जल हुए यार सच में। वो खा रहे हैं अभी थोड़ी देर, खाना लेके भी आए हैं, 9 बजने वाले हैं। ये है यहाँ का एड्रेस जो भी है, मतलब दिख नहीं रहा इतना, बट इस बंदे ने जो आज हमें बहुत परेशान किया, सुबह का बुलाया हुआ है हमें यहाँ पे। और आप लोगों को पता ही है ब्लॉग में कितनी ज़्यादा दिक्कत के बाद हम यहाँ पे पहुँचे, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना दिखा रही हूँ। बंदे ने पहले हमें यहाँ पे बुलाया, उसके बाद पूरा दिन हमने पहले जो रजिस्टर्ड नंबर है पहुंच पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे इसके कॉल नहीं लग रही थी। फिर चाचा जी आगे जाके गए, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया, फिर जाके आगे गए, फिर इसके पास पहुंच वगैरह सारा बिल वगैरह जो भी है वो वहां पे दिया। फिर उसके बाद जो है बंदे ने पहले पूरा दिन ये बोलता रहा कि हाँ गाड़ी खाली करेंगे, गाड़ी खाली करेंगे। तो इसके पहले हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी और आई थी, और वो रात को आई थी, और बंदे ने जो है अगले दिन शाम को 7 बजे की है खाली, और 5 बजे जो इसने बोला है कि चलो ये तो कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक लोग हो जाता है तो गाड़ियाँ 5 बजे लगाते हैं, इतना तो हम वेट कर ही सकते हैं 5 बजे का। 5 बजे के बाद कोई मतलब नहीं है किसी बंदे को वेट करवाने का, ये उसको ऐसा बोल दो कि हाँ आप घर चले जाओ या यहाँ पे वेट कर लो गाड़ी में। अब मेरे को फिर चाचा जी ने बोल दिया उन्हें इसको कि यहाँ लड़की भी आई है मेरे साथ, तो बंदे ने ये बोला कि बच्चों को लाने का कोई मतलब ही नहीं है, बच्चों को लाने का कोई मतलब नहीं है, लड़कियों को लाने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, तेरे को मतलब है कि गाड़ी खाली करनी है, उस मेरे आने से या ना आने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कहीं भी गलत हूँ, ये बताना आप। पूरी गर्मी में हम बरमाना से, चाचा जी बरमाना से भर के लाए गाड़ी, और यहाँ पे हमारी ड्यूटी जितनी थी समय से पहले पहुँचाई गाड़ी। उसके बाद भी इस बंदे ने हमारी गाड़ी अनलोड नहीं की। अभी जाके लेबर वाले ने हमें बताया कि 2 घंटे इस बंदे ने हमें बैठा के रखा, और इसने गाड़ी हमें कोई बताया नहीं कि गाड़ी आई हुई है और खाली करनी है नहीं करनी है। तो इसमें हमारी गलती कुछ भी है तो आप लोग बताओ कि हमारी गलती है। ये जो है ये बिल्कुल बस स्टैंड के ऊपर वाली साइड जो है रास्ता जाता है वहाँ पे है इनका स्टोर। और मैंने वीडियो में जो हमारे साथ गलत हुआ वो भी बताया, क्योंकि मेरे को किसी ने ऐसा बोला था कि गलत ना सहना और ना गलत किसी के साथ करना, तो हमने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। ऊपर से सुबह खाना खाया था 11 बजे, उसके बाद हमने कोई खाना नहीं खाया, कोई
कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। मैं ड्राइवर को सपोर्ट करती हूँ और मैं हर एक वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिसमें ड्राइवर को इतनी ज़्यादा दिक्कत लोग देते हैं और इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी तो ये जाके अपने घर में बैठ गया आराम से, बट हम जो है घर से, मेरे को इतने मम्मी के कॉल आ रहे हैं कि बंदे को दूसरे बंदे की सिचुएशन समझनी चाहिए, उसका फ़ायदा नहीं उठाना। ये आप देख सकते हैं, अभी दूसरे बंदे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए जब तक वो बोलते। उसके बाद भी चाचा जी ने इसको कुछ नहीं बोला कि, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो और बाकी आप खुद समझ आ रहा हो और आप खुद देख रहे हैं ना पूरा ब्लॉग कि कितनी गर्मी और कितना सब कुछ सहने के बाद भी हम लोगों को गलत कहा जाता है। बजने को 7 मिनट है और अभी जा रहे हैं हम घर, तो अभी थोड़ी देर में पार्क पहुंचने वाले हैं। और गाड़ी यहाँ पे जा रही है, पहुंच गए हम पार्क चुके रोड के पास। डिनर हो रहा है अभी, चपाती वहाँ पे था होटल, वहाँ से लेके आए खाना। में बाहर देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है, कीड़े मकोड़े जागे हैं, बाकी सब सोए हैं।